राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों के खिलाफ बीजेपी आज राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के घर दस जनपद पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह की बैरिकेडिंग है और लगातार बीजेपी के जो तमाम खासतौर से दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो यहां पे पहुंचे हैं और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। और ये दस जनपद है जिसके बाहर ये बैरिकेडिंग की गई। आप देख सकते हैं सोनिया गांधी का घर है और सोनिया गांधी के घर में ही फिलहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रह रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेरिका में दो तीन ऐसे बयान दिए, खासतौर से सिख समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि आने वाले वक्त में सिख समुदाय के लोग पगड़ी नहीं पहन पाएंगे, कड़ा नहीं पहन पाएंगे, इस बयान से आहत होकर दिल्ली बीजेपी और सिख समुदाय के लोग इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर, जहाँ वो दस जनपद यानी सोनिया गांधी के साथ रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी विदेश में अभी है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर के सिंह और तमाम नेता आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग है और उनको गिरफ्तार करके ले जाने के लिए यहाँ दिल्ली की भी बसें भी आई हुई हैं। फिलहाल राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम लोग राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे हैं। चंद्रन फिरोज के साथ अजय झा दैनिक संवेदना। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों के खिलाफ बीजेपी आज राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के घर दस जनपद पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह की बैरिकेडिंग है और लगातार बीजेपी के जो तमाम खासतौर से दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो यहां पे पहुंचे हैं और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। और ये दस जनपद है जिसके बाहर ये बैरिकेडिंग की गई। आप देख सकते हैं सोनिया गांधी का घर है और सोनिया गांधी के घर में ही फिलहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रह रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेरिका में दो तीन ऐसे बयान दिए, खासतौर से सिख समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि आने वाले वक्त में सिख समुदाय के लोग पगड़ी नहीं पहन पाएंगे, कड़ा नहीं पहन पाएंगे, इस बयान से आहत होकर दिल्ली बीजेपी और सिख समुदाय के लोग इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर, जहाँ वो दस जनपद यानी सोनिया गांधी के साथ रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी विदेश में अभी है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर के सिंह और तमाम नेता आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग है और उनको गिरफ्तार करके ले जाने के लिए यहाँ दिल्ली की भी बसें भी आई हुई हैं। फिलहाल राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम लोग राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।